वेलकम टू नशे वाला गार्डन। आज हमारा नया कलेक्शन आया है, एक्चुअली कल आया था, मैं वीडियो आज पोस्ट करूँगा। तो आज जो जो कलेक्शन आया है बहुत प्लांट्स आए हैं, मैं आपको एक एक करके प्लांट्स दिखाऊंगा। आपको अगर किसी प्लांट का प्राइस जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, क्योंकि बिना बात का प्राइसिंग करना भी कोई ये नहीं है। सबसे पहले आते हैं हमारे गुलाब का प्लांट, जो कि अच्छी खासी कलियों में लगा है, और एक में तीन तीन चार चार कली है। इवन जो डच गुलाब की बात करूँ उसमें भी कम से कम दो तीन कली आराम से लगे पड़े हैं। तो बोलो तो सीजन गुलाब का अच्छा खासा है, गुलाब के लिए टाइमिंग ठीक है, इसलिए गुलाब इतना हेल्दी है अभी। इसके लिए ये वीडियो आपको मार्च महीने का है, तो ये महीना अच्छा होता है स्पेशली गुलाब के लिए। और सच में गुलाब जो है अच्छे है, अलग अलग कलर में है, वाइट है, पिंक है। अब आते हैं हिबिस्कस, जो देसी वाले हिबिस्कस है वो है अलग अलग कलर में हिबिस्कस का है, और जो देसी होते हिबिस्कस में भी वो भी है, रेड भी है, डार्क रेड भी है, डार्क पिंक भी है। इवन जो पिंक नॉर्मल अपना जो होता है वो है। फ्लावर के साइज़ पैटर्न सब अलग अलग। मनी प्लांट की बात करते हैं तो मनी प्लांट अलग अलग पैटर्न में देखो हमारा कितना अच्छा सा है, छोटे से चेंज स्पॉट में लगे हैं, छोटी सी मॉस्टिक लगी है, बड़े ही क्यूट सा, एकदम डार्क ग्रीन कलर का, खतरनाक लग रहा है देखने में। हैंगिंग बास्केट में भी लगा है, ये भी अच्छा है, एकदम बुसी, ये तो खतरनाक भरा हुआ है एकदम। उसके बाद आते हैं विनका का प्लांट, जिसको सदाफुली बोलते हैं, इसमें हमें बहुत कलर है। उसके बाद आते हैं रबर प्लांट भी ऐसे है, स्पाइडर प्लांट वो भी अच्छा है। स्पाइडर प्लांट भी मुझे देखने में खतरनाक लगा, क्योंकि छोटे से 4 इंच के पॉट में है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने लाया था। उसके बाद टमाटो का अभी अच्छा टाइम है, इस टाइम फ्लावर और फ्रूटिंग दोनों होंगे, फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग का उम्मीद हम रखेंगे क्योंकि टाइमिंग अच्छा है इसके लिए। इसमें कलर जैसे ये पिंक वाले और जो है ना देसी टाइप के है, फ्लावरिंग अच्छे है, बुसी है पूरा प्लांट, एकदम पिंचिंग मेथड यूज़ करके प्लांट को एकदम घना बना दिया है, डेट्स वाई फ्लावर भी बहुत है। कलंसी भी हमारे पास 4 इंच के पॉट में भी है और 6 इंच वाले पॉट में, दोनों में बुसी है। सेवंती का टाइमिंग तो नहीं है, लेकिन सेवंती 12 महीने पुणे में मिलते हैं, इसके लिए वो वाले सेवंती है। एक डबल कलर करी पत्ता भी अच्छा खासा हमने लगा, एकदम फ्रेश क्वालिटी में, छोटे से हाइट में है, लेकिन एक में दो तीन तीन प्लांट लगे हैं, डैश वाई प्लांट हमारा बुसी लग रहा है। फुदीना का एक जो बड़ा ही काम का प्लांट फुदीना होता है, सब्जी में कुछ भी चीज़ में डाल दो, जूस बना लो इसके लिए, वो भी है प्लांट और छोटे बैग में, लेकिन बुसी प्लांट है। एलोवेरा हमारा जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का नंबर वन प्लांट होता है, फेस के लिए और बाल के लिए तो अमृत है, और इस प्लांट को इंडोर लगा लो तो खतरनाक लॉन्ग टाइम तक संभाल सकते हो, तो ये भी प्लांट है। इसको हम ग्रीन नेट के नीचे ही रखते हैं तो अच्छा चलता है। ये है हमारा पीलिया का प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में है, ये एक्चुअली इंडोर प्लांट होते हैं, अगर आउटडोर रखो तो ख़राब होने लगते हैं, इंडोर अच्छे चलते हैं। एक प्लांट हमारा आता है इम्पेशन का, जिसमें कलर की फरमाइश होती है। सबसे बड़ी बात, ये थोड़ा प्लांट सेंसिटिव है, जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है, लेकिन आप अगर 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अच्छे से चलाओ तो बहुत अच्छे चलेंगे और फ्लावरिंग भी बहुत आएगा, बिकॉज़ कि इसके स्टेम बहुत पानी नुमा होते हैं, इसलिए जल्दी थोड़े ख़राब होने लगते हैं। एज़ कम्पेयर हम दिस प्लांट को करें कलंचू से, तो कलंचू इसमें नंबर वन पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सेलिंग का प्लांट कलंचू हो जाता है, क्योंकि ये प्लांट को पानी सा लफड़ा नहीं है, कम पानी तो आराम से चलेगा, छोटे छोटे पॉट रहे तो भी चलेगा आराम से। मतलब लोगों को क्या होता है, छोटे पॉट में प्लांट अच्छा रहे, बुसी रहे, तो ये कलंचू का प्लांट नंबर वन पे आ जाता है। एकदम छोटे से पॉट में लगा दो, अच्छे खासे चल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, कलर्स की फरमाइश होती है, तो इसको आप इंडोर आउटडोर भी लगा सकते हो, आउटडोर में जल्दी ब्लूम होता है इसलिए इंडोर रखते हैं, तो सबसे अच्छा फॉर्म करता है प्लांट। क्रोटोन का छोटे से पॉट में लगे 6 इंच में, और 2-3-4 प्लांट लगाए हैं इसलिए प्लांट अच्छा लग रहा है। इधर कुछ कलंसू का प्लांट हमारे डार्क रेड वाले, डार्क पिंक है, ऑरेंज है और रेड, ये आते हैं एक वाइट कलर के थोड़ा जो होता है वो। सदाफुली मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम पूरा बुसी है प्लांट, एक नर्सरी से लाया था, देखने में खतरनाक। सेवंती वगैरह इधर हमने रबर प्लांट चेंज पॉट में खतरनाक लग रहा है एकदम। सबसे अगर लकी प्लांट में आते हैं ना तो रबर प्लांट आ जाता है, गजब का
हेल्दी लाइफ प्रॉस्पेरिटी के लिए आते हैं। एक और भी लकी प्लान में बताना चाहूँगा जिसको हम लक्ष्मी कमल ही बोलते हैं, तो कमल के नुमाएँ लगता है इसलिए लक्ष्मी कमल नाम रखा, खतरनाक लगता है, क्रासुला वगैरह, तो ये सब लकी प्लांट में आते हैं, तो आप इन प्लांट्स को लगा सकते हो। सोनचापा भी फ्लावरिंग में लकी प्लांट आ जाते हैं अच्छे खासे, तुलसी तो हमारा लकीएस्ट प्लांट है हिंदू धर्म में। ओके, तो ये सब सारे प्लांट आराम से लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आज का हमारा प्लांट्स का कलेक्शन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, साथ ही साथ आप ये बताओगे कि आपके पास इनमें से कितने प्लांट्स का कलेक्शन है या ऑल है, तो ऑल करके कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।